Hey everyone, welcome back to our channel Minima Vlogs। So guys, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, फेस्टिव सीजन आने वाला है, सो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। सो इसमें जितने भी ज्वेलरी मैं लेके आई हूँ सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारे अफोर्डेबल प्राइस पे हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो पहला ज्वेलरी सेट है वो ये है। ये मुझे काफी ज्यादा सुंदर लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पहन के बैठूं। सो गाइज, आप देख सकते हो ये ऑक्सीडाइज अफगानी मिरर चोकर है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और जिसकी प्राइस थी ये मुझे 280 में मिला था और मैं मेंशन भी कर दूंगी स्क्रीन पे जितने में मुझे मिला था। सो गाइज, आप देख सकते हो विथ इयर रिंग्स के साथ में आपको इयर रिंग्स भी मिलते हैं और आप देख सकते हो पूरे पे आपको मिरर मिलता है। अभी पहनने पर ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी, निकाल के भी दिखाऊंगी कि ये पीछे से कैसा है लगाने वाला और कैसा है, मतलब इसके बैक में ये किस टाइप का है। काफी ज्यादा ये कंफर्टेबल है पहनने में, तो ये मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा और काफी सुंदर लग रहा है। और ये व्हाइट मतलब मिरर में है तो ये किसी भी आपके कोई भी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, व्हाइट के साथ भी एंड कोई भी कलर आप पहनो सबके साथ बहुत अच्छे से जाता है। मुझे ये काफी पसंद है। मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी, पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सुंदर है। इयररिंग्स भी आप देख सकते हो इसके इयररिंग कैसी है। सो इसमें आपको ऊपर में मिरर मिलता है एंड इसमें भी आपको ना स्टोन चिपके हुए मिलते हैं यहाँ पे यहाँ पे, एंड नीचे आपको ऐसे घुंघरू मिलती है और इसमें भी नीचे गाइज आपको यहाँ पे पूरे में घुंघरू मिलती है, जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब काफी स्टैंडर्ड मुझे इसकी क्वालिटी लगी। सो गाइज, इसकी इयररिंग कुछ ऐसी आप देख सकते हो, बैक से ये कुछ ऐसा आपको मिलता है। इसमें आपको स्पूली मिलता है प्लास्टिक का और इसकी इयररिंग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और बहुत ही ज्यादा ये लाइट वेट है। मैंने आपको ये भी नहीं बताया था कि जो इसकी चोकर है इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा लाइट वेट है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है। सो इस वजह से ये प्रोडक्ट मुझे और ज्यादा पसंद आया। सो गाइज, ये आप देख सकते हो ये कुंदन विथ पर्ल आपको चोकर सेट मिलता है विथ इयररिंग्स। सो गाइज, आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा सुंदर मेरे को लगा। इस पे पूरे पे आपको स्टोन मिलता है एंड ये पूरा पर्ल है। इधर भी आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लगा ये ग्रीन, एंड आपको ना जो इसके ना पर्ल की जो कलर है वो आपको लाइट मतलब क्या बोलूं मैं इसको, क्रीम कलर आप बोल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें आपको व्हाइट में भी मिल रहा है एंड रेड में भी मिलता है। सो ये मुझे कलर काफी पसंद है, सो इस वजह से मैंने लिया। सो पीछे आपको कुछ ऐसे ये मिलता है लगाने वाला एंड इस ये आपको मेटल का मिलता है गाइज। और एक चीज और, ये ना हैंडमेड है, ये आपको देख सकते हो ये जो भी आपको ना इसकी जो पर्ल जो भी लगे हुए है ना वो आपको ना धागे में लगे हुए, सो ये हाथ से बना हुआ है। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और ये ना दिखने में जितना सुंदर है पहनने पर और भी ज्यादा ये सुंदर लगता है। साथ में आपको इसके इयररिंग्स भी मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो जो इसका इयररिंग है वो काफी छोटू सा है। ये जो इसका फ्रंट में आपको ऐसे गोल सा मिलता है ना, ये बिल्कुल उस टाइप का ही आपको छोटा सा इसका इयररिंग मिलता है, जो काफी ज्यादा सुंदर है और प्यारा सा लग रहा है। सो आप देख सकते हो ये हैंडमेड है गाइस। इसमें आप देख सकते हो कि ये ना इसे धागे में लगा के इस पे पिरोया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। इस पे पूरे पे आपको स्टोन मिलता है एंड बीच में आपको ग्रीन स्टोन मिलता है, पीछे भी आपको स्पूली मिलती है प्लास्टिक की, क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। सो ये मुझे काफी पसंद आया। जो इसकी प्राइस थी गाइस वो ना आई थिंक 394 की थी, मेरे को अच्छे से प्राइस याद नहीं है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ना काफी ज्यादा सुंदर मेरे को ये लगा। सो इसको मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है एंटिक जर्मन आपको सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी विथ इयररिंग्स। सो साथ में इसको आपको इयररिंग्स भी मिलते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो ये आपको ना माँ दुर्गा की ऊपर से आपको जो ये लॉकेट है वो आपको माँ दुर्गा का मिलता है। सो ये काफी ज्यादा मेरे को प्यारा लगा और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी आई है। इसका जो आपको लगाने वाला मिलता है वो आपको ऐसे डोरी मिलती है और इसकी डोरी की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी लूज नहीं है। सो आप देख सकते हो ये मेरे को 200 में मिला था। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ना काफी अच्छी क्वालिटी आई है। इसमें आपको इयररिंग्स मिलते हैं, ये आपको झुमका मिलता है और इसकी साइज भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि इसके झुमके की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड साइज भी बहुत ही अच्छा आया, मतलब छोटा सा नहीं है, काफी बड़ा है, आप देख सकते हो काफी बड़ा है।
सो गाइस बैग से आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा है। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये जो इसका मटेरियल है वो आपको ना जर्मन सिल्वर मिलता है। सो गाइस आप इसको साड़ी के साथ कैरी करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है कॉटन साड़ी के साथ। ये मेरी मम्मा ने अपने लिए मंगाया था तो वो पहनती है तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। वैसे मैंने भी इसको पहना हुआ है साड़ी के साथ, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। सो आप इसको साड़ी के साथ स्टाइल करोगे या फिर फ्रॉक सूट के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। बस वो आपका जो ड्रेस है ना वो कॉटन होना चाहिए ना, चार चांद लग जाएंगे। सो इसको मैं down in the place of dreams float away in the scenery take a backpack of what you need let's explore the world we see all the dangers have been laid up you believe what they say through the heartache. So guys जो हमारा next है वो ये है। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का, आप इसको ऑक्सीडाइज चोकर बोल सकते हो। सो गाइज ये ना ऐसे ना धागे में आपको पूरा ग्रीन कलर के धागे पे मिलता है, साथ में आपको ऐसे इयरिंग भी मिलता है, सेम टू सेम बिल्कुल सेम इयरिंग्स भी है। सो गाइज ये मैंने इसलिए लिया ना क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट और छोटू सा है, तो इसको आप जीन्स पे कैरी करो तो भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप इसको ना कोई भी ना मॉड ड्रेस के साथ भी पहन सकते हो, जैसे कि आप जंप सूट के साथ ही पहन सकते हो, कुर्ती के साथ ही पहन सकते हो, सबके साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा। सो इस वजह से मैंने ये लिया। ये मेरे को ना 200 में मिला था और गाइज ना ये ना मैंने लिया उसके तुरंत बाद ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर ये आया नहीं है अभी तक। सो गाइज इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप देखते रहना कि ये आ भी सकता है और नहीं भी। बट गाइज इसको मैंने फिर अमेजोन पे भी देखा, ये अमेजोन पे भी है, सो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। आप अगर लेना हो तो आप अमेजोन से भी ले सकते हो, ठीक है। सो गाइज आप देख सकते हो पीछे आपको ऐसे डोरी मिलती है। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी मोटा आप देख सकते हो। सो इसको आप ऐसे खींचते हो तो ये अच्छे से टाइट हो जाता है, सो अपने अकॉर्डिंग आप इसको पहन सकते हो। साथ में आपको ऐसे पत्ते पत्ते से मिलते हैं जो कि ऐसे आपको सिल्वर कलर के ऐसे पत्ते पत्ते से मिलते हैं। इसमें आपको ना और भी कलर थे, सो ग्रीन मैंने इसलिए लिया ना क्योंकि ग्रीन सारे कपड़ों के साथ अच्छे से जाता है। सो गाइस इसकी इयरिंग आप देख सकते हो, इयरिंग भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, छोटू सा है। सो इसको आप ऐसे पहन लेते हो, काफी ज्यादा लाइट वेट है और ये किसी भी कपड़े के साथ जाएगा, वेस्टर्न के साथ भी जाएगा और एथनिक के साथ भी जाएगा। इसे कुर्ती पे भी ये काफी अच्छा लग रहा है। सो गाइस इसको मैं पहन के दिखाती हूँ।